भाइयों कहा होगा पुरुष मम्मी करता लिया ई करता लिया गैल आया वहां लगाया गुड़गुड़गुड़ है ऐसे थारी तरह मैं बर्बादी पोत रहूंगा तो यूं महल ना बढ़ा लेती मैं मम्मी बुरुसी तो है कोई भांग थोड़ी ना जो रगड़े ही जाऊंगा कभी कभी खाली भी रगड़े लेकर आवा बुरुसे जरूरी है वो लगाना है मम्मी कल से जो ना यहाँ पर राख लगा के यही रगड़ लूंगा ना तुम्हारा कोलगेट खत्म होगा ना बुरुस घिसेगा ठीक है हाँ ऐसे ही कायदे में रहना सीख लो वरना बुरुस घिसे ना घिसे कई दिन तक मैं घिस दूंगी मैं ओए पहले मैं जाऊंगा क्यों तू मंत्री कहीं का क्यों मंत्री नहीं आवे टट्टी पहले मैं जाऊंगा मंत्री ना आवे पहले मैं जाऊंगा समझ गए ना पहले जाऊंगा मैं आई अपन रे जिसे ज्यादा तेज आ रही हो पहले ऊ चला जा मम्मी मौत तो बहुत तेज आ रही है मम्मी मौत तो 100 की स्पीड में आ रही है मम्मी मेरे तो गियर बक्सा ही फटा जा रहा मम्मी मेरे देखिए रोंगटे भी खड़े हो गए मम्मी मुंह पे तो कच्चा उतारने का भी टाइम ना है मम्मी मौत तो खड़ा भी ना हो जा रहा हूँ भाई एक काम कर तू ही चला जा मेरी तो निकल गई कच्चा धोए बिना बाहर मत ना आजियो बूढ़े इनके कच्चा ना धो जाएंगे वहां पे तू या के बात जाएगा कोई गेम भी ना खेलने दे तो बेटा तेरे चक्कर में आज मैं हार गूं अब तू निकल के दिखा तो ये देखो यहीं खड़ा रहूं वहीं कर दूं बाहर इर्दुले ओ इर्दुले अरे है कोई घर में तेरा गेट खोल दिया लात मार के दौड़ दूं क्यों तेरा कौन है पापा जी कहा हुआ क्यों चिल्ला रहे हो बताऊं क्यों चिल्ला रहा हूं बताऊं अभी क्यों चिल्ला रहा हूं एक घंटा हो गया गेट बजाते बजाते अगर पेट फेंक के मार दिया ना यही हाथ मारा कर दूंगा तो निकम्मी औलाद पापा जी मम्मी ने दूध गर्म करने कह रखा अगर फैल गया ना मेरे गेट खुलवा देंगी जा मारे चलो जा ना तेरी गुद्दी गर्म कर दूंगा हाँ। मम्मी मैंने कुछ ना करा पापा आगे गेट खोल गया मम्मी मैं यही खड़ा मैंने पहले ही कहीं ना ध्यान रखियो इतनी निकम्मी और आज भगवान किसी ना देवे क्योंकि तो मैं भी अभी आना हा अगर थोड़ी देर में आ जाते तो वहां चला जाता थारा सारा दूध लिकड़वा दिया तुम उसे पूछ कर लिकड़ा दूध वो कहा पता तेने गैस पर दूध डर रखा और बाकी खीर बनाने में लग रही है तुमने और थारी औलाद ने दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है या तो अब इस घर में मैं ही रहूंगी या तुम रहोगे तो एक काम कर हम ही रह लेंगे तू निकल ऐसे कैसे निकल जाऊं भर भर के दहेज लेके आई वहां का कहां रहेगा दहेज हाँ तू हाँ तेरे बाप ने भी देखा दहेज लेकिन टीवी लेकर चल दी और लू कह दहेज लेकर आई दहेज लेकर आई कुछ पता भी है तुम्हें 11,000 रुपया का टीवी आऊ 11,000 एक काम कर अभी कभी 22,000 रुपए लग रहे थे और अब यहाँ से निकल 22,000 रुपए कभी देखे भी है तुमने चल मैं तो कहा क्यों रहने दे जा ना ना कह दो वैसे भी कहा कसर छोड़ रखी है तुमने कहने में दहेज दहेज चिल्लाती रहे दहेज में कह लाई एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मैं तो भगवान से रोज की रोज प्रार्थना करूँ काई बनते हुए ऐसी बीवी मारूं कौन है अभी आई चल के मार 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 मस्तानी पीछे सुमार अरे पीछे सुमार यार जब तो यार फोन में ही बढ़ना है तो ये सारी लाइट क्यों जला रखी है बिजली का बिल कौन भरेगा तेरा बाप
मम्मी अगर इतनी बुरा लगन लगा हूँ ना मैं तो मैं बता दो मैं बाहर बैठ जाऊंगा जाके। तो जाना बाहर, यहाँ मैंने भंडारा लगा रखा। मस्तान जल्दी आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, तू आ गया। मर दो ले, गाड़ी उठा के भाग भाई। मर दो ले, घर से बाहर निकल। बिल्कुल सही, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। आजा, 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 आजा। पोजीशन सेट कर, हाँ पोजीशन सेट कर। चल मार, 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 मार। एक घंटा होगा आवाज मारते मारते, फिर उन्हें जाई होगी। हॉर्न में लग रहा हूँ बैठ के, हेचर बजा रहा हूँ जब तक भैंसर को नहीं आ रहा जान चाहिए। ते भगवान, कौन सा जन्म को बदला निकाल रहे हो मौसू, जो आवे बेल के चला जावे। अब एक कमरा लेंगू किराए पे, आराम से गेम खेलूंगा। मृदुल भैया, और नितिन भैया, मृदुल भैया, नितिन भैया, है कोई? हाँ, बता कहाँ है? आंटी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, चिल्ला खाई गुरा ले लगा के नितिन भैया, मृदुल भैया, कहाँ हुआ? हाँ आंटी, हम बुलावो देन आए थे। बुलावो? कहे को बुलावो? सत्यनारायण की कथा हमारे घर है, मम्मी ने आंटी कहा तुम चले आए, चार बजे आ जाइयो, पूरा मोहल्ला आ रहा है। ठीक है, आ जाऊंगी। अरे यार, ये तो हमने आंटी तो झूठी कह दी, अब क्या करें? नितिन मृदुल भैया मिल जाते तो सब काम बन जाते। एक दौर बजा देख ले, कहा पता भैया मिल जाए। फिर आ गया तू? आंटी हम एक बात तो भूल ही गए, कता में पंजीरी और चिन्ना में तो बटे हैं, तो अपनी कटरिया लेके आइयो, मम्मी ने कही थी। ले आऊंगी, दोनों भी ना मंगाए जाते इन पे प्लास्टिक के, कथा कराएंगे ये। अरे यार आंटी ने तो दिमाग खराब कर दो, बार बार आ जाती। आपकी राय तो तेज चल रहे हैं, जहाँ से भैया आ जाए। मृदुल भैया, नितिन भैया, उतर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कर रहा हूँ, चढ़ा हुआ, कहाँ हुआ? आंटी हम जा कह रहे थे, हमारे घर जो कथा थी सत्यनारायण की, हाँ हाँ, वह कैंसिल हो गई, अब नहीं आने। हराम खोर, अब क्या आना जइया, हाल उधर दूंगी तेरी, बता रही हूँ। मम्मी का चीज का हिसाब लगा रही हो? अरे बेटा कल उपला बेके उन्हें का हिसाब कर रही हूँ मैं, बता तू कहाँ के? ए मम्मी देखिए, एक दोस्त आ रहा हूँ मेरे शहर से। तो मैं कहाँ करूँ? मम्मी बस चाय पानी की पूछ लिया, चाय पानी दे दिया। मतलब बेटा तुम तो नू मानो कि मैं किसी से चाय पानी की पूछती ना हूँ, है ना? मैं खुद पूछ लू किसी से भी, तू दिक्कत मत ले, मैं उसे अच्छे से खवा पिवा के भेजूंगी। ठीक है मम्मी। आए बड़े दोस्त आ रहे हैं इनके रोज। आ जाओ, आ जाओ, और सब बढ़िया? चलो, बहुत दिन बाद आया यार। और रोना मोहित, बहुत दिन आया हमारे गांव में तू यार। और भाई देख रहा, लौंडा ने बॉडी बॉडी बना ली, मोह लगा गेनर का डिब्बा फेल दिया। ठीक है, वैसे बॉडी तो हमने बनाई पर हमारी निकल गई। अरे नहीं ब्रो, थोड़ा डाइट रेगुलर चल रही है ना, उसका असर है। ओ ब्रो का फूफा, हमारी गैरी पढ़ाओ तो सरस्वती विद्या मंदिर में। और भूल का दीख है, स्कूल जाने के डर से कच्चा मांग ले करो, फिर आंटी जब हम बजाय करी फिर नु कह कर स्कूल चले हम। अच्छा बेटा आ गए तुम सब? हाँ जी आंटी। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बढ़िया करा आ गए तुम लोग, मेरा मन ना लगता, ऐसे जाओगे कब? मम्मी क्या हुआ, आंख क्यों दिखा रहा तुम?
अब मम्मी यू ही लौंडा जाके मैंने बताई शहर से आएगा। अच्छा अच्छा तो यू है वो लौंडा जाके तू कह रहा आएगा चाय पानी करानी है। ठीक है बता बेटा कहाँ खाएगा। अरे नहीं नहीं आंटी जी कुछ नहीं। अरे बेटा ऐसी कैसी बात कर रहा, हमारे घर आया कुछ तो खा के जाएगा, बता ठंडा लेगा गर्म लेगा कहाँ लेगा। अच्छा आंटी जी आप एक काम करिए थोड़ी सी चाय ले आइए। बेटा देख चाय तो अभी बन ना पाएगी क्योंकि दूध होगा खत्म, तो तू कुछ और बता मैं बढ़ा दूंगी। अच्छा तो आंटी आप एक काम करो आप नींबू पानी ले आओ फिर। अरे बेटा कैसी बात कर रहा, नींबू का तो सीजन ही चला गया, 6 महीना से हमने ही ना देखे नींबू, तू कुछ और बता। अच्छा तो आंटी जी कोई बात नहीं आप कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कोल्ड ड्रिंक तो बेटा बाजार हमारे घर से बहुत दूर है, तो कोल्ड ड्रिंक तो देख नहीं लेना, इस टाइम दोपहर हो रही ना कौन लेने जाएगा। अरे आंटी तुम हमें 50 रुपया दो बयाल बच के पेप्सी ले आ जाए। तू चुप ना बैठे, तू जलजीरा से सिकल के पेप्सी पिएगा अब। अरे पेप्सी तो मेरे बाल कन्ना ना पी साल साल भर तू। और बेटा वैसे भी पेप्सी तो कितनी नुकसान करे और गर्मी में खूब पेप्सी पी वे, तू कुछ और बता। मम्मी एक काम करो वे जो काजू बादाम कहा बादाम वे तो खराब हो ही गए, तो जो कुछ रखा हो वो ले आओ। तू दिक्कत मत ले मैं कुछ बढ़िया से बना के लाऊंगी तुमको। वैसे बेटा तू नु बता तू शहर में करे क्या है। आंटी जी बस अभी बीटेक कंप्लीट हुई अब जॉब कर रहा हूँ। बीटेक करके जॉब कर रहा, देख लो कुछ कितने रुपया कमा ले वे। आंटी जी 7000 पर मंथ है। 7000? हाँ जी। बेटा कितने रुपया रह गए ये? आंटी जी पूरे 7000। 7000? रे पढ़े लिखे गवार आदमी 20-20 हजार रुपया ये दूध बेच के कमा ले वे, और 2500-3000 के तो मैं उपड़ा बेच दूँ हर महीना। रे बेटा शहर में रहने का कोई फायदा ना है, हम तो यहाँ गाँव में ही ठीक है। चलो मैं तो कुछ अच्छा से बना के ला रही हूँ जब तक। ठीक है जी आ भाई तब तक मैं तो अपना घर घुमा दूँ पूरा। कहा हवा महल बना रखा तेरे बाप ने, 60 गज के प्लॉट में तो कमरा घा बना दिया, तुम वहाँ घुमाओगे अब। अरे बेटा तू यूं ही बैठ, पल्ले कमरा की तो बेडशीट भी फट रही है और पंखा भी खराब है, गर्मी लग जाएगी तुम्हें। आया घर दिखाएगा यू सारी मैं कुछ बना के। यार ब्रो तुम्हारी तो हालत ही खराब है, यहाँ 7000 कमा के फुल मोज तो ले रहा हूँ, यहाँ 20000 कमा के तुम्हारी 20 पैसे की इज्जत नहीं है। ले बेटा तू ठंडा ठंडा पानी पी पहले, है ना। बेटा तूने गिलास फोड़ दिया मारा। सारे के सारे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर आपकी मम्मी भी ऐसी कर रही हो ना और आप अपनी मम्मी से कह ना पा रहे हो तो हमारी वीडियो दिखा दियो, मम्मी पापा भाई बहन सब है सारी बात समझ जाएंगे कि बालक क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाई। और बाकी अगर आपके पापा ने भी कहीं गांव में सेटिंग वेटिंग कर रहा है तो अपनी दूसरी मम्मी का नाम कमेंट में बता दो। और बाकी अपना ध्यान रखो भाई, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी पूरी फैमिली के साथ टीवी पे चला के देखो, थिएटर में देखो, पिक्चर में लगवाओ, परी चौक पे लगवा दो पोस्टर, कुछ भी करो, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ, अपना ध्यान रखे। पापा की जो भी सेटिंग हो ना उनका नाम हमें बताना इंस्टाग्राम, नई वीडियो दोबारा जल्दी आएगी, तब तक अपना ध्यान रखे। राम राम जी, बाय बाय बाय।